देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ कोपागंज लाडनपुर की। आप देख सकते हैं देर रात्रि में शॉर्ट सर्किट से यहां पे घर में आग लग गया है और जब धुआं देखे तो गांव के लोगों में काफी हलचल मच गया। गांव के लोग आए और यहां पे जो है कोई बाल्टी लेकर, कोई पानी लेकर, कोई दमकल को बुलाएगा, फायर ब्रिगेड गाड़ी आई और किसी तरह बड़ी मशक्कत के साथ इस आग को काबू में पाया गया। आपको हम उस जगह ले चलते हैं जहां पे आग लगी हुई थी। चाचा आपका फौजदार कहाँ हवा इस समय घर में दुआरे बैठल है का भेल जर गल साहेब सुतल कैसे जरल अब भगवान जाने अब लाइनियों ने तो जरल हो के तर जरल अच्छा लाइन से जरल जी कैसे के बुतावल गल कैसे काबू आग को पाए गया आदमी अना चिल्लाए लगन जाता आदमी अना था फायर ब्रिगेड के गाड़ी भी आई थी। हाँ गाड़ियों आई ले गाड़ी आई ले कुछ आगे धर्म भाई तब तले आओ तो आओ टाइम ना लगी ओके तब ले आदमी कुछ आगे बुतौले ना तो आये तब वो बुतौले गाँव का एकदम उधर बाभन भी नुनिया भी आगल रहा यहाँ पर। अच्छा हाँ यही गाँव हरौटी रहे तवन और नहरी में से कुछ नहीं अटल तो नहर में से पानी बातवन आके में बिगाल आदमी बल्टी रात कही केहू से आवे केहू से आवे जाके काबू पाया गया। हाँ कहा सुतत रहला लो यही जो हम सुतत रहनी घर में चार गो लड़का रहा था। कौन को लड़का सो रहे थे सो रहा उन्हान के उन्हान के हाली हाली लगल चिल्लाया उन्हान के लेके भागे लगल कैसे मालूम पड़ा कि आग लगा है जल रहा है जल रहा वो उजियार रहे उजियार न भगया ये वाली सुतल है ये जगावत है वो दिन रहबे ना कैल मलिकार अपन काम धंधा चार पैसा करते रहना तो ये कहल कि बाबूजी आग लग गई अब घरवा जरत है तो हाली हाली लगल हम चिल्लाए यहाँ वहाँ। हाँ तो आदमी अना यार ओहर का यार कही अना गाँव में कही अना सगरी टूट पड़ना फिर ओकर बाद घिचौड़ा आगल फिर बभनौटी भी बगल में है तो बभनौटी भी आगल कोनो तरह से तो बुतावल गया यानी आस पास के गांव के लोग सारे लोग दौड़ पड़े हाँ साहब कम से कम तब लाख रुपया से ऊपर 1.5 लाख के करीबन ले नुकसान हो गए। अच्छा हम जब घर से निकले तो कबाड़ी को धुआं देखे तो हम कह रहे थे क्या महक रहा है तो निकले तो पूरा आग बढ़ रही है तो हम दरवाजा खोल कर बाहर आए। अच्छा इसी में आप सोए थे? हाँ इसी में सोए थे तो धुआं हुआ पूरा जो है उड़ गया था। हाँ पूरा धुआं निकल आँच पूरा निकल रहा था तो हम जगाए चिल्लाए तो सब बाहर में आदमी गांव पड़ोस आए तो सब बताए फिर बच्चों को हाँ बच्चों को भी उठाए तो उठ ही नहीं रहे तो छोटा बच्चा फिर दौड़ दौड़ के निकले वो इसी पर आग पड़े आ 9:30 बजे कुल बुता उतुता 10 बजे गए 10 बजे हम हन का तो 1 बजे ले जागल रहे। अच्छा तो कैसे मालूम पड़े कि आग लगल हम तो साहेब सुती ना इतना ओंघाई लगत रहे अब कि अच्छा कजन घरवा जरले खातिन ओंघाई कि कैसे लगल ओंघाई सूत गल नहीं अब जब चिल्लाए ना यही जैसे तब जाके अनी तो ये बच्चा के पौनी यही तरह अखबारी में पकड़ के लेके भगानी होनी हमारे बेहद बाकी हम कर बाकी कहां सुतल ललू तू मोता हो जा सुता वही निबितर से निबितर सुतल ललू निबितर हो दुगो चौवा हम ई लड़का ना रहल त कम आओ त बड़ा कमाल तो अपने मतलब तो हिया दुगो सुतल लिए थे घरवा में बा ई लड़का लेके दूठे घरवा में सुतल ल या ई तीन ठे लड़का लेके ये घरवन में सुतल ल ओकर त कॉलोनी आइले त बन गल बा त बन ल ल दल नहीं ओके कॉलोनी ना मिलल नहीं हम के कॉलोनी ना मिले हम तो बहुत धनी हैं बाप मातारी के मिलवन कल बच्चन के नाम अब देत बाण लोन त का कहल जात हमन को ना बोलल जला एगो लइका खर काटे ना खाली खरवे कटवाओ थलो और कोनो जीविका के लिए कोनो नौकरी उकरी ना ही कुछ ना का रोजी रोटी लइका करे ना को तो दो पैसा का काम करता ना बढ़ाई का काम करे ना है को दरवाजा और जो बनो तो कहियो पहिया कहियो ठेकेदार लेके भाग जाए तो कल पहिया यहीं अपन सब उर करा लो मजूरी के मारे ला ना है ऊपर वाला दे वाला बाण तो ऊ करे ना एक थे तो कहीं टमाटी पाथे रे आ एगो त थमन के संगे ईटा उठाई दे दुपहरिया पर यह तो काम आ मतलब गर्रा माटी का लोग काम करते हैं आ एगो गुजर गया इनका मालिक। अच्छा और आपको जो है प्रधान ना हमन का प्रधान ना सुने ला हमन का प्रधान जब सुन ले रहत ना तई हालत ना एगो प्रधान सुनत रहत रामचंद्र राव गुजर के
प्रधान तो लैकन के कॉलोनी दी है, बाकी कट गए, मगर अभी तक ले आवास भी नहीं मिला। ना मिली इनके अंगूठा में ना मिली साहेब। हाँ नोनिया हम इनके में ना मिली तो लगल दिहल एगो पंडित महाराज हम गाँव में समीर वह बेचारा लिखल रहा दोनों के दोनों उनका आ जा में हम कुल अब आई घर रहता रातिया कह तो कुल एकदम खसमा हो गए फूट फाट गए। अब आई जब ऊपर से उजारे लगल कि मन हम कहीं ज्यादा अब तो जरल जरिए गए छोड़ दल लड़का हमार बच गए नी। हाँ हमारे तो अब हम के को अभी ना यहाँ से रतिया से हम यह जो है कि आज सुतले में मर गल तो कुल ठेरा तब तो हम दूठे बूढ़ी बूढ़ा बहरे रहनी अठे लड़का दूठे बहरे रह यह बचल तम पलुआर खत्म हो गल। यहाँ पे आग लगा है उस जगह आपको लेके चलते हैं जहाँ पे है गोईठा यहाँ पे जो रखा हुआ था और यहाँ पे काफी जल गया था और आप आगे देख सकते हैं ये जो खपड़े का पूरा मकान था यह जो जल के आते हैं कि सारे सामान जो यहाँ पे जल के खाक हो गया है। आइए कुछ जो महिलाएं यहाँ पे सोती थी यहाँ पे रहती थी उनसे हम बात करते हैं। कौन सोता था? वो तो ये सब परिवार ये था। अच्छे परिवार कितने लोग इसमें सोते सोए थे? वो तो चार लड़का और लेकर सोए थे। चार लड़का लेकर सोए? चार लड़का अब लोग सोए थे, एक जवान लड़की है उसमें। लोग सोते थे वो घर जल के खाक हो गया है और अंदर का हम दिखाते हैं जो घर यह है यह काफी इलेसान ये मकान बना हुआ है। यहाँ पे हर पांच साल पे चुनाव होता है, प्रधान जी लोग काम का करते हैं। ये देख रहे हैं खपड़े का पूरा मकान है। इस मकान को अब तक ले यहाँ पे इस परिवार को अब तक ले कोई आवास नहीं मिला है और नहीं मिलने का बता रहे हैं लोग कि न मिलने का चांस है। वो भी आए हैं इस परिवार को ढांसा बांधने के लिए। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं बाबा गुलाब दास गोपागन गणेश मंदिर के पुजारी एवं महंत हूँ और मजदूर कल्याण एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। ये जो गुलाब नाम के जो मजदूर हैं ये हमारे मजदूर कल्याण एसोसिएशन के पुराने कार्यकर्ता हैं और इनके आग लग जाने के वजह से हम लोग बहुत दुखी हैं। हम जो है सरकार से ये मांग करते हैं जो या दिल्ली का सरकार हो या मुख्यमंत्री जी हों इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें जो जल गया है इनके घर को बनवा दे। ये हम बहुत दुखी हैं, हम लोग इनकी सहायता करें सरकार। जय हिंद जय भारत। बाबा जी ये सरकार कैसे बनवाएंगी? ये सरकार बनवाएगी, यहाँ का प्रधान नहीं चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी है ना वो बनवाएंगे, जिला अधिकारी बनवाएंगे, हम दौड़ेंगे दुपेंगे। यहाँ तो बता रहे कि प्रधान पे कोई भरोसा नहीं है, प्रधान दिलाने का काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ये तो कहते लोग रहते हैं तो कैसे मामला जो संज्ञान में पड़ेगा जो मुख्य बाबा जी के यहाँ बाबा आप भी हैं। हाँ, बाबा वो भी हैं। हाँ हम पहुंचाएंगे आपके माध्यम से पहुंचेगा, मतलब आप मीडिया वाले परिवार को आप जो है आवाज दिलाने का काम करेंगे, करेंगे। जो चला हुआ है उनका भी भरपाई कराएंगे, आप मुआवजा दिलवाएंगे, आप मुआवजा दिलवाएंगे। जी जी जी। घर है हमारा? आपका घर है जी? कहाँ सोते हैं आप? सर यहीं सोते थे हम। कितने बच्चे हैं आप? तीन बच्चे हैं। आपके तीन बच्चे हैं जी और यहीं पे सोते हैं आप जी? तो आग लगी थी, कैसे आग लगी? आग लगी सर इतना तो नहीं पता कि कैसे लगी, अब रात में सोए थे हम तो कैसे मालूम पड़ा कि नहीं आग लगी हुई है? हम कहीं काम कर रहे थे सर, घोसी। कहाँ काम कर रहे थे? घोसी चल रहा था काम हमारा। अच्छा। साइड पे थे, दो दिन गया हुआ था, उसके बाद रात में फोन आया, कहीं दूसरे लोग फोन किए कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा गल जल रहा है। फिर हम तो रात को भाग के आए, देखे जब तक तो सब बुता रहे हैं लोग। बीबी भी और दो बच्चे? जी दो बच्चे, बीबी, तीन लोग सोए हुए थे। सब चार लोग थे? चार लोग इस पे सोए थे, तीन बच्चे थे एक बीबी थी। अच्छा, तीन बच्चे एक बीबी जी, ये चार लोग सोए हुए थे जी। जब ये कैसे मालूम पड़ा है कि यहाँ पे आग लगी है? बच्चे सो गए थे जी, बीबी जगी थी। अब क्योंकि हम घर पे नहीं रहते हैं तो कहता है कोई कि पता नहीं क्यों घबराहट सा होता है, अब पता नहीं संकेत कोई मिल रहा होगा। अब जगी थी, अब तब तक बाहर निकल के देख रही है पूरा आँच लग रहा है क्या। अच्छा, यहाँ पे सोने के बाद भी तो आँच लगता होगा जी? वहाँ से बगल में था ना, बगल में भी था कोई, तो कहा कोई कैसा महा